हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है और ये आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की तरफ से। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली AAI हमारी एक मिनी रतन PSU है। वहाँ पे से इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ रही है। विदाउट गेट सेलेक्शन हो रहा है। फाइनल ईयर को एलिजिबल कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, फ्रेशर्स तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इसमें आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ रहने वाली है और इसमें हर ब्रांच वाला, हर ट्रेड वाला अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 355 पोस्टें रखी गई, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत अच्छी है। डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम कैसे होने वाला, सबके बारे में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप हमें WhatsApp और Telegram पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप में से कितने लोग विंटर ट्रेनिंग या फिर विंटर इंटर्नशिप या फिर इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हैं, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैं उनके लिए फ्री ऑफलाइन इंटर्नशिप और ट्रेनिंग लाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप UPPSC AE की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाए जा रहे हैं जो कि 5 दिसंबर तक चलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ UPPSC AE ऑल ओवर इंडिया के लिए मॉक टेस्ट भी हो रहा है जो कि 6 दिसंबर को होगा। तो इसमें जो जो चाहे वो एनरोल कर सकता है। इसे एनरोल करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एकदम का फ्री टेस्ट है, कोई भी इसका रुपया नहीं लग रहा है, आप इसे फ्री में दे सकते हैं। एज यू नो, UPPSC का एग्जाम हमारा 13 दिसंबर को शेड्यूल्ड हुआ है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगी इस टेस्ट के ज़रिए, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। और जो इनके एडुकेटर्स हैं वो लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो आपको पूरी हेल्प करेंगे आपका सपोर्ट करने में। और तो और, जो UPPSC AE का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, तो ऐसी एज सच कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है आपके लिए। और इसी के साथ साथ आपको एनालाइज भी देंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने प्ले स्टोर से अन अकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, AAI की तरफ से। एक मिनी रतन PSU है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब यहाँ पे से दो तरह की जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है, एक है एक्सपीरियंस्ड के लिए और दूसरी है फ्रेशर्स वालों के लिए। अगर हम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो उसमें से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैकेनिकल वालों के लिए है। खैर, ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स के लिए। अब इसमें देखो, फाइनल ईयर को भी एलिजिबल कर दिया गया और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी है। इसमें बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर्स मांगा गया है या फिर, और इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी आपने अगर ट्रेड में बीटेक कर रखा तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। एवरी ट्रेड में सिविल, मैकेनिकल, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, हर कोई आ जाता है, तो उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। कंडीशन एक रख दी गई है कि आपके सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यूजुअली सबका होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सबको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा दी जाती है, अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग मैथ्स सब पढ़ लेते हैं अपनी बीटेक में, तो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, जैसे मैंने आपसे कहा। जनरल के लिए कुल पोस्टें 107 हैं, EWS के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए 72 है, SC के लिए 40 और ST के लिए 19 है, और कुल मिला के टोटल पोस्ट 264 पोस्टें रखी गई, तो पोस्टें तो काफ़ी अच्छी हैं। ये हो गई पहली पोस्ट। वहीं जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसमें भी ग्रेजुएट इन साइंस एंड MBA ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग, तो इसमें भी BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, और इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 83 हैं और फिर कैटेगरी के हिसाब से दी गई हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 83 है। वहीं जो तीसरी पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, इसको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वाले ही भर सकते हैं, मैकेनिकल और
ऑटोमोबाइल वाले, इसमें कुल मिला के 8 पोस्टें 8 सीट रखी गई हैं, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कुल मिला के 355 पोस्टें हैं फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स और फाइनल ईयर वालों के लिए, तो इसमें आप लोग अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें आपको BE BTech होना चाहिए, किसी भी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो, विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे अपनी इंजीनियरिंग में। अगर हम एज लिमिट की बात कर लें तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे मतलब की एज है, उसकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं है। एज ऑन 30/11/2020 आपकी एज लिमिट 27 साल होनी चाहिए, 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। ऑफकोर्स आप अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको इस पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लग जाएगा, PSUs में हमेशा ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन लगता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका फॉर्म फिल होना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका फॉर्म 15/12 यानी कि 15th of December 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा 14th of January 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है जनवरी में। तो अच्छा खासा टाइम है, आप अभी तक आप आराम से सोच के भर सकते हो। और एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सैलरी की बात कर लें तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में E1 लेवल पे आपकी सैलरी 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहने वाली है, और ये आपकी परमानेंट पोस्ट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और उसी के साथ साथ आपको पर्सन बेनिफिट्स जो होते हैं बेसिक पे, ठीक है, DNS अलाउंस, DA TA, HRA हाउस रेंट अलाउंस, जितने भी होते हैं CPA ग्रेजुएटी मेडिकल बेनिफिट्स है, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस, सब आपको मिल जाएगा। कुल मिला के आपकी जो CTC होने वाली है वो 12 लाख की CTC है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी CTC होती है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, इसमें फाइनल ईयर अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कंडीशन एक है कि जब तक आप जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपका ग्रेजुएशन, तब तक आपका BTech कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब तक आपका BTech कंप्लीट हो जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यूजुअली ये टाइम लगाएगा, तो आप इसमें फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकता है। अब अगर थोड़ी इसकी और बात कर लेते हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दो पोस्ट, दो वैकेंसीज हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों की फीस अलग अलग पे करनी पड़ेगी और दोनों के लिए फॉर्म भी अलग अलग पे करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बात बता दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि इसका CBT होना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अगर आप गलत कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, पर्सनल मेजरमेंट यानी कि मेडिकल और ड्राइविंग टेस्ट और वॉइस टेस्ट भी होने का है। खैर पहले इंटरव्यू तो क्रैक करिए, सब तो होता ही रहेगा। और एक कंडीशन एक ये दे दी गई है कि इसमें आपकी 10th या 12th क्लास में इंग्लिश should be one of your subject, आपका एक subject English होना चाहिए 10th या 12th क्लास में, तो ये बात साफ साफ दे दी गई है। ये इसकी सबसे बड़ी कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दी है। और इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, आपको 7 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। और इसमें आपकी जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया यानी कहीं पे भी हो सकती है, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ वहाँ आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट है, इसे अप्लाई करने के लिए अभी इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जब ये फॉर्म स्टार्ट होगा तो आप इसे भर सकते हो। अब अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रखी गई है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और इसी के साथ साथ अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए फ़ीस 170 रुपीज़ रखी गई, तो फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फॉर्म अपने हिसाब से भरिएगा। अगर आप दो पोस्टों के लिए भरते हो तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ जाएंगे, अगर आप कैटेगरी के हो तो। और इसी के साथ साथ अगर आपने AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस कर रखी है 1 साल की, तो आपके लिए फीस नहीं पड़ेगी, तब ये फॉर्म उस केस में आपके लिए फ्री है। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप वालों को देती है, PSUs अपने ही बंदों को देती है। कंडीशन एक ही है कि आपको अप्रेंटिसशिप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही करी होनी चाहिए, किसी भी साल से हो फर्क नहीं पड़ता। अब इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, फॉर्म वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे मैंने
करा कि वो 15 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो तब वो फॉर्म आप भर सकते हो, अभी नहीं भर सकते हो, इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप फॉर्म वो भर पाओगे। अब आपका जो इस पर एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हो सकता है, तो आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैंने आपसे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन डिस्कस कर दी है, इसके बाद भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट या कन्फ्यूजन है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फिर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।